7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। शासन सचिवालय राजस्थान लोक सेवा आयोग अधीनस्थ विभाग में 11,255 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एनडीसी भर्ती परीक्षा को हुए करीब 6 महीने का समय बीत चुका है, जिसके तहत शासन सचिवालय में 329, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 9 और अधीनस्थ विभाग में 10,917 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। परिणाम जारी करने की मांग को लेकर हर रोज बड़ी संख्या में बेरोजगार बोर्ड कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत हर बार 2 हफ्तों में परिणाम जारी करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आरपीएससी पैटर्न और समानीकरण की वजह से 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। इस बार रिजल्ट के लिए उन्होंने 10 मार्च की डेडलाइन दी है। पहले भी ये निवेदन किया था कि इस ये परीक्षा अगर अपन बोले कहने के लिए तो एक परीक्षा है, लेकिन वस्तुतः इसमें 8 प्रश्न पत्र हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन और इक्वलाइजेशन का काम होने के बाद मैं समझता हूँ कि इसको हम 10 मार्च तक एलडीसी की परीक्षा का परिणाम करने की स्थिति में। दरअसल 4 चरणों में हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पेपर डिफिकल्टी लेवल तय करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बोर्ड ने तय किया है कि अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टाइपिंग परीक्षा की गाइडलाइन तय की जाए और रिजल्ट जारी होने के बाद जल्द से जल्द संभावित टाइपिंग जल्द करवाई जाए। इसके लिए वो चाहते हैं कि आरपीएससी पैटर्न को फॉलो किया जाए। इन मांगों के बाद बोर्ड ने करीब 1200 पदों की बढ़ोतरी की, लेकिन भर्ती में इन पदों को जोड़ने को लेकर स्थिति भी साफ नहीं है। छात्रों को डर है कि 6 महीने बीतने के बाद भी जो रिजल्ट नहीं